तो आज के वीडियो में हम देखने वाले कि आधे एचपी के मोटर का स्टार्टर का कनेक्शन किस तरह से होता है, तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। इसके अंदर कौन सी चीज़ें लगेंगी तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंडिकेटर है, तो इसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले इसे खोल लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसके खोल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर का कवर भी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर है, तो सबसे पहले इसे ऊपर से इस तरह से लगा देना है। उसके बाद इसके ऊपर का कवर है, इसे लगा देंगे इस तरह से घुमा के। उसके बाद इसे नीचे करेंगे, उसके बाद इसे यहाँ पे इस कवर को लगा देना है ताकि ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो यहाँ पे इंडिकेटर लग चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे कैपेसिटर को। तो यहाँ पे हमारा जो मोटर है वो आधे एचपी का मोटर है। तो यहाँ पे 36 mA का कैपेसिटर है और ये हमारा रनिंग का कैपेसिटर है। तो इसे हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इसे किस तरह से लगाएंगे, तो सबसे पहले इस वायर को यहाँ से अंदर ले लेंगे। तो इसके बाद इसे यहाँ से अंदर डालेंगे और थोड़ा ही अंदर डालना है इस तरह से। उसके बाद इसके लगा देंगे नट बोल्ट। तो इस तरह से लगाएंगे और उसे हम यहाँ पे प्लायर से टाइट कर देंगे। तो यहाँ पे इसे प्लायर से टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे लग चुका है। तो इसके बाद हम लगाएंगे कनेक्टर। तो यहाँ पे कनेक्टर है, तो इसे हमें यहाँ पे नीचे लगा देंगे। यहाँ पे आपको लगा लेना है इसको, और उसको जो नट बोल्ट है इसको हम यहाँ पे लगा के लेंगे। तो इस तरह से लगाना है। उसके बाद इसके ऊपर का जो नट है इसके इस तरह से लगा देंगे। उसके बाद लगाएंगे दूसरे साइड का। और इसे हम यहाँ पे प्लायर से टाइट कर देंगे। उसके बाद दूसरे साइड का भी टाइट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा टाइट हो चुका है कनेक्टर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे फेज वायर का। तो यहाँ पे हमारे आउट का फेज है, तो इसके ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं। और इसके जो ऊपर का स्क्रू है इसे हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। उसके बाद इस वायर का कनेक्शन करेंगे हम एमसीबी के नीचे। तो यहाँ पे इस वायर को लगा देते हैं और यहाँ पे हम स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसके बाद एमसीबी के आउटपुट का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एमसीबी के इन का कनेक्शन हो गया यहाँ पे नीचे। उसके बाद यहाँ पे आउट का भी कनेक्शन कर दिया। इसके बाद एमसीबी को लॉक कर देते हैं। तो यहाँ से इसका हम जो लॉक है नीचे खींच लेंगे। तो यहाँ पे लॉक हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे टाइट बैठ गया। उसका ये आउटपुट का वायर, इसका कनेक्शन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन करते हैं यहाँ पे इंडिकेटर का। तो यहाँ पे इसका जो स्क्रू है यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे इंडिकेटर को हमें देना है फेज और एक देना है न्यूट्रल। तो उसका भी हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं। तो किस तरह से करेंगे इसके बारे में पूरा बताऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो दोस्तों। तो यहाँ पे वायर लगा दिया हमने इंडिकेटर का दोनों भी। तो यहाँ पे दोनों भी स्क्रू को टाइट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर का दो वायर है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे कैपेसिटर का एक वायर, उसके बाद इंडिकेटर का एक वायर, और जो हमारे एमसीबी के आउटपुट से जो वायर निकला है फेज का, तीनों वायरों को एक साथ कर लेना है। और उससे हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको इसको घुमा देना है अच्छी तरह से, ताकि ये एक साथ चिपक के रहे तीनों भी वायर। यहाँ पे इस वायर को जोड़ना है कनेक्टर में, जो थर्ड नंबर का टर्मिनल है वहाँ जोड़ेंगे, क्योंकि नीचे से हमारा रनिंग वाइंडिंग का वायर मोटर का वहाँ पर लग जाएगा। हमारे मोटर में तीन वायर होती है, उसमें एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का और एक कॉमन होता है।
तो इसमें हमें रनिंग वाइंडिंग का वायर नीचे से लग जाएगा और ऊपर से हमें यहाँ पे एक हमारा कैपेसिटर का, उसके बाद एक इंडिकेटर का, उसके बाद एमसीबी के आउटपुट का, इन तीनों वायर को हम ऊपर से लगा देंगे और उस स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। और उसके बाद बचा हमारा कैपेसिटर का एक वायर, उसे हम जोड़ेंगे स्टार्टिंग वायर के साथ जो हमारा चौथा नंबर का टर्मिनल है कनेक्टर में यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लगा देते, नीचे से हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर वहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पे लग चुका है। तो यहाँ पे हम करेंगे फेज का कनेक्शन, फेज हमारा यहाँ से एमसीबी को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन यहाँ से, फिर हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिकेटर का एक वायर बचा है उस वायर को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इस वायर को जोड़ लेंगे जहाँ पे हमारा न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारे इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको लगा देते और उसके बाद इसे अच्छी तरह से हम टाइट भी कर देंगे। और इसके बाद इस वायर को हमें लगाना है सबसे जो आखिर वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद सबसे पहले दो पॉइंट में हमारा रनिंग का वायर हो गया, उसके बाद स्टार्टिंग का वायर हो गया, उसके बाद कॉमन का वायर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे इस वायर को लगा देते। तो यहाँ पे इस वायर को हमने अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा सब कनेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे करते हैं फेज वायर का कनेक्शन और यहाँ पे करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। तो यहाँ पे फेज वायर को लगा देते। और यहाँ पे करेंगे न्यूट्रल का कनेक्शन। तो यहाँ पे हो गया फेज न्यूट्रल कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे हमने टॉप जोड़ा इसको। तो यहाँ पे भी देखिए मोटर का भी कनेक्शन हमें कर दिया है। उसके बाद इस टॉप को इसमें लगा देंगे और लगाने के बाद यहाँ पे हम चालू करेंगे मोटर को। तो यहाँ पे हमारा इंडिकेटर लग चुका है, यहाँ पे एमसीबी ऑन है। तो यहाँ पे टंकी के पास लेके चलते हैं आपको। तो यहाँ पे हमारे मोटर चालू हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आधे एचपी का मोटर है। तो इस तरह से स्टार्टर का कनेक्शन होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।